बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम साइंस की वीडियो में आप लोगों की बुक का चैप्टर पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल्स, चैप्टर नंबर 4 एनिमल्स, यूनिट नंबर 4 एनिमल्स, और इसका टॉपिक 4.1 लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ ड्यूरिंग दियर लाइफ टाइम। दिस इज़ कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। यानी पैदाइश से लेके और मरने तक के लिए, डेथ तक, यानी बर्थ से लेके और डेथ तक जो भी प्रोसीजर होता है लाइफ में, उसे लाइफ साइकिल कहते हैं। तो लाइफ साइकिल जो है वो मुख्तलिफ एनिमल्स की मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो इसमें क्या है, लाइफ साइकिल में सबसे पहले जाहिर सी बात है बर्थ ज़रूरी है, यानी पैदा होना ज़रूरी है लाइफ साइकिल के लिए। तो इसमें क्या है, हम लोग रिप्रोडक्शन को देखते हैं। क्या है रिप्रोडक्शन? बाय सिंगल सेल। सिंगल सेल, सेल क्या चीज़ होती है, सिंगल यूनिट होता है और बहुत छोटा सा होता है और हमें नॉर्मल नेकेड आई से नज़र नहीं आता, हम जानते हैं, हम माइक्रोस्कोप से इसे देखते हैं। तो एक सिंगल सेल की रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो बिल्कुल सिंपल होती है। यानी एक सेल इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, आप लोग देखिए ये पिक्चर में बताया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जो सेल बनता है वो बिल्कुल सेम बनता है दूसरे सेल के। ये सिंगल सेल की रिप्रोडक्शन होती है, इसमें सिर्फ एक ही सेल से, वन पेरेंट, यानी वन पेरेंट से ही आपका ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ये किन किन चीज़ों में होती है, दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लोअर ऑर्गेनिज्म्स, यानी पौधों में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यानी वो ऑर्गेनिज्म्स जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखें। और लोअर ऑर्गेनिज्म्स यानी बहुत से छोटे जानवरों में सिंगल सेल रिप्रोडक्शन होती है। किस तरह से होती है, सेल सिंपली डिवाइड इंटू 2 और 4 एंड देन 8 एंड सो ऑन। इट मेक्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल, यानी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल। आप देखिए जिस तरह का ये सेल है, इसी तरह से ये वाला सेल दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होता चला जाता है और दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स। दिस इज द रिप्रोडक्शन। इन दिस रिप्रोडक्शन मेल स्पर्म एंड वन फीमेल एग कम्बाइंस टुगेदर। यानी ये सिंगल सेल की रिप्रोडक्शन थी, इसमें वन पेरेंट होते हैं। ये रिप्रोडक्शन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स, इसमें टू सेल्स होते हैं, फादर सेल और मदर सेल।